भागीदारी आंदोलन मंच के मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार प्रजापति के नेतृत्व में मयंक कार्यकर्ता और समर्थन में आए भारतीय सुहेलदेव पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर अंबेडकर पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकालकर भागीदारी आंदोलन मंच में अपना 9 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण को पिछड़ा अति पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा के नाम से अलग किया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में दलित महादेव के नाम से वशीकरण किया जाए। पिछड़ी जाति के 27% विभाजन के बाद ही प्रदेश व केंद्र सरकार में नौकरियों में भर्ती शुरू कराई जाए। पंचायत चुनाव की तरह लोकसभा एवं विधानसभा में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण लागू किया जाए। बिहार व गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में शराब बंद कराई जाए। अन्य कई मांगों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में कृष्ण कुमार प्रजापति अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार प्रजापति। कौन सा मंच है आपका? ये हमारा भागीदारी आंदोलन मंच है। तो क्या ज्ञापन दिया आपने? इसका ज्ञापन ये है कि जो हमारा पिछड़ा समाज है, ये मतलब इतना पिछड़ गया है, तो इसको जो हमारा आरक्षण घोषित है वो उतना नहीं मिल पा रहा है, इसलिए पिछड़ा समाज हमारा ऊपर नहीं उठ पा रहा है। आज ये स्थिति आ गई है कि कहीं भी हमारा ना कोई मंत्री है, ना कोई न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में देखिए 18 जो है क्या नाम जज हैं, उनमें आज वो भी सीखा कोई जज भी नहीं है। तो इस तरह से जो है न्यायपालिका में भी कार्यपालिका में भी तो ओबीसी को निगलेक्ट कर दिया जाता है। तहसीलों में भी थाने तहसीलों में भी ओबीसी का कोई ऐसा प्रमुख नियुक्त करके नहीं आता। क्या मांग करते हैं आप इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर आप? हमारी मांगे जो है बिहार और गुजरात की तरफ से शराब पूर्ण तरह से बंद कर दी जाए यूपी में भी, और लोकसभा विधानसभा में लागू किया जाए, ताकि हाँ पिछड़े समाज का भी कोई MLA MP चुन के आए तो उसमें पिछड़े समाज का उत्थान हो, इस तरह से जो है हमारा समाज आगे बढ़े।